इस्लामिक कैलेंडर के नवे महीने को इस्लाम धर्म में सबसे पाक महीना माना गया है। इस माह में इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाला हर मुस्लिम रोजा रखता है। तो आइए जानते हैं पाक महीने रमजान का महत्व। इस्लाम में रोजा की विशेष अहमियत है। साल के 12 माह में से एक माह रोजा के लिए तय किया हुआ है, जिसे माह रमजान के नाम से जाना जाता है। इस माह में एक सच्चा मुसलमान सूरज की पहली किरण से लेकर सूरज की आखिरी किरण नजर आने तक ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। इस्लाम के 5 अरकानों में से रोजा एक अहम अरकान है, जिसे उन सभी पर फर्ज किया गया है जो वयस्क और तंदुरुस्त हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी के अंदर इस महीने को फिर से लाए और हमारी मगफिरत का मौका दिया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस महीने का इनाम दिया, जो इसके जरिए हम जहन्नुम की आग से बचें। रमजान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह अपने बंदों पर खासा मेहरबान रहता है, इसलिए इस महीने को नेकी कमाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में 10-10 दिन आते हैं। हर 10 दिन के हिस्से को अशरा कहा जाता है, जिसका मतलब अरबी में 10 होता है। इस तरह इसी महीने में पूरी कुरान नाजिल हुई, जो इस्लाम की पवित्र किताब है। इस महीने के माह रमजान के अंदर जो महीना है, उसके अव्वल 10 दिन जो होते हैं वो अल्लाह की रहमतों वाले होते हैं। ये रहमत वाले 10 दिन जो अल्लाह की इनामात की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह हमें इनामात नवाजता है। दूसरे 10 दिन मगफरत वाले होते हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा और माफ़ी के लिए होते हैं और अल्लाह ताला इसमें हमारी मगफरत फरमाता है। और जो आखिरी 10 दिन होते हैं, उस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह तबारक ताला हमारे जहन्नुम की आग से निजात दिलाता है और हम इस जहन्नुम की आग से महफूज रहते हैं। ये अल्लाह का इनाम है। कुरान के दूसरे पारे की आयत नंबर 183 के अनुसार रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण करना, अश्लील या गलत काम से बचकर शारीरिक और मानसिक रूप से खुद पर नियंत्रण करना है। अल्लाह ताला ने ये जो महीना बनाया है, इस महीने की खूबी और अच्छा ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस महीने के अंदर जैसे ही चांद दिखता है, जमीन से अजाब उठा लिया जाता है, मुर्दों से अजाब हटा दिया जाता है, शैतानों को कैद कर दिया जाता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, नेकियों में इजाफा होता है और हर नेकी बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ने अपने इस महीने के अंदर रिज्क में इजाफे का वादा किया है और ये एक रहमत वाला महीना है, जिसके हम जो हमें अल्लाह ताला ने दिया। और रमज़ान और रोज़े एक ऐसी इबादत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आप आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर मजाहिब के ऊपर फरीजा फर्ज रखी गई और हर मजहब के अंदर मानी जाती है। इस पाक महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों का खजाना लुटाता है और भूखे प्यासे रहकर खुदा की इबादत करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस माह में नरक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत की राह खुल जाती है। दुनिया के लिए रमजान का महीना इसलिए भी अहम है क्योंकि अल्लाह ने इसी माह में हिदायत की सबसे बड़ी किताब यानी कुरान शरीफ का दुनिया में अवतरण शुरू किया था। रहमत और बरकत के नजरिए से रमजान के महीने को 3 हिस्सों यानी अशरों में बांटा गया है। इस महीने के पहले 10 दिनों में अल्लाह अपने रोजेदार बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, दूसरे अशरे में अल्लाह रोजेदारों के गुनाह माफ करता है और तीसरा अशरा दोजख यानी नरक की आग से निजात पाने की साधना को समर्पित है। रमजान महीने के रोजे को फर्ज माना गया है। इसके पीछे सोच ये है कि लोगों को समझ आए कि भूख प्यास की अहमियत क्या है, बुरी आदतें इंसान के वजूद से अलग हो जाएं। रमजान इस्लामी महीने का 9वां महीना है। इसका नाम भी इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने से बना है। यह महीना इस्लाम के सबसे पाक महीनों में शुमार किया जाता है। इस्लाम के सभी अनुयायियों को इस महीने में रोजा नमा फितरा करने की सलाह है। सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज पढ़ी जाएगी। लोगों की सहूलियत के लिहाज से तरावीह का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके चलते 3, 5, 7, 10, 14 और 27 दिन की तरावीह अदा की जाएगी। तरावीह की नमाज आम दिनों में पढ़ी जाने वाली 5 वक्त की नमाजों से अलग होती है। गलतियों के लिए तौबा करने और अच्छाइयों के बदले बरकत पाने के लिए भी इस महीने की इबादत का महत्व है। तभी तो इन दिनों जकात देखने का खासा महत्व है।
जकात का मतलब है अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में बांटना। वस्तुतः जकात देने से आदमी के माल एवं कारोबार में खुदा बरकत करता है। इस्लाम में रोजे, जकात और हज, यह तीनों फर्ज हैं, मजबूरी नहीं। रोजे के दौरान झूठ बोलने, चुगली करने, किसी पर बुरी निगाह डालने, किसी की निंदा करने और हर छोटी से छोटी बुराई से दूर रहना अनिवार्य है। ईद आती है अकीदत के खजाने लेकर, प्यार के गीत, मोहब्बत के तराने लेकर। ईद नाम खुशी का है, जश्न का है, एक दूसरे को गले लगाने का है। 30 दिन तक रोजे रखने के बाद जब ईद का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया जश्न में डूब जाती है। कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जब रमजान के महीने की पवित्र जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, रोजों, नमाजों और उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह एक दिन अपनी इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश से नवाजता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी नाम के दिन को ईद उल फितर का नाम देते हैं। स्पेशल डेस्क A1 TV, जयपुर।